तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पैर और हाथ में जलन होती है तो इसके पीछे की कारण क्या होती है। बहुत बहुत सारे सारे कारण होते हैं जिसका नंबर वन हम आपको कारण बता रहे हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गया है, इसकी वजह से आपको पैर और हाथ में जलन दोस्तों हो सकता है। दोस्तों विटामिन में कौन सा, जैसे विटामिन B12, विटामिन B6 और फोलिक एसिड, ये अगर कमी हो रही है तो आपको होता क्या है कि नस का प्रॉब्लम होने लगती है, नस कमजोर होने लगती है विटामिन B12 की कमी से। तो क्या होता है कि जब नस की कमजोरी होती है तो ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, इसकी वजह से क्या होती है कि पैर और हाथ में जलन होने लगती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपको डायबिटीज यानी कि शुगर का बीमारी है, इसकी वजह से भी आपको पैर और हाथ में जलन हो सकता है। अधिकांश देखिएगा शुगर वाला पेशेंट को पैर में हाथ में बहुत ज्यादा जलन होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शुगर वाला पेशेंट को भी क्या होता है, बहुत दिन से शुगर रह जाती है ना, तो उनका भी नस कमजोर हो जाती है। नस जब कमजोर हो जाती है ना तो ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैर और हाथ में जलन होती है। ठीक है, शुगर वाला पेशेंट सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, शुगर के बारे में वीडियो बना दिया, देखकर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि शुगर का बीमारी क्या होता है और कैसे हो जाता है, टेंशन से भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पहले बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपको BP का प्रॉब्लम है, या आपको BP हाई रहता हो या BP लो रहता हो, इसी की वजह से भी आपको पैर और हाथ में जलन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी किडनी इसी की वजह से भी आपको पैर और हाथ में जलन हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों किडनी का प्रॉब्लम होगा आपको तो शरीर सही से ब्लड को एथी नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से दोस्तों क्या होगा कि शरीर में तरह तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्रवेश रहेगा और नस को दोस्तों कमजोर कर देगा। ठीक है, इसी के वजह से क्या होता है दोस्तों कि पैर और हाथ में जलन हो सकता है। अगर आपको थायराइड का बीमारी है, या तो थायराइड का हाई हो जाता है या थायराइड लो हो जाता है, इसकी वजह से भी आपको पैर और हाथ में जलन दोस्तों हो सकती है, या आपको कहीं नस दब गया है, इसी की वजह से भी आपको पैर और हाथ में जलन दोस्तों हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यह तो है आपका कारण इसकी वजह से हो जाती है, लेकिन हम लोग को करना क्या चाहिए? तो दोस्तों नंबर वन आपको बता दिए ना, बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, नहीं तो बीमारी हो जाएगा। टेंशन की ही वजह से यह सब जितना बीमारी बताए यह सब टेंशन की वजह से होता है। देखिए टेंशन लीजिएगा शुगर की बीमारी हो जाएगा, शुगर का बीमारी हुआ किडनी का बीमारी होगा, हार्ट का बीमारी होगा, साथ में लीवर सब खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, और बीमारी आपको बढ़ते रहेगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा ना, तो बीमारी से लड़ जाइएगा। ठीक है, बचना बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी से। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि इसका उपाय क्या करना चाहिए, उसका इलाज क्या होता है। दोस्तों उपाय में हम आपको बता दे रहे हैं, आप प्रतिदिन 20 मिनट तक, अगर आपको पैर और हाथ में जलन है या नहीं भी है, तो 20 मिनट तक दूब पर यानी जो घास जो हम लोग बोलते हैं उस घास पर आप टहलिए, इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो सही से चलेगा पैर और हाथ का, पूरा बॉडी का, तो आप लोग का सही रहेगा, पैर और हाथ में जलन से भी राहत देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा जलन है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मेहंदी ले लीजिएगा, मेहंदी का पत्ता उसको पीस लीजिएगा और पैर और हाथ में जहां भी जलन हो वहां पर आप लगा लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा राहत देखने को मिलेगा, क्योंकि मेहंदी जो है तस्वीर में ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडक दिखाई देती है। और इसका हम इलाज हम बता देते हैं, देखिए इसका जो इलाज होता है डॉक्टर साहब लोग अपने डायग्नोसिस के अनुसार करते हैं पेशेंट को हिस्ट्री देखने के बाद, क्योंकि यह क्यों हो जा रहा है इसके पीछे के बहुत कारण है। अगर शुगर BP का प्रॉब्लम है तो इसके वजह से आपको होता है, अगर शुगर BP का प्रॉब्लम पकड़ लिया समझ लीजिए कि आपको पैर और हाथ का जलन इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। ठीक है, कब जाएगा? जब आपका शुगर BP कंट्रोल रहेगा तभी जाएगा। ठीक है, तो आप शुगर BP का कंट्रोल करके रख लीजिए और सारी बीमारी उसको कंट्रोल करके रख लीजिए, तो आपका समझिए कि पैर और हाथ का जलन ठीक हो जाता है। और डॉक्टर साहब लोग दवा भी लिख देता है लोग, अगर मान लीजिए शुगर की वजह से हो रहा है तो शुगर का दवा लिख देगा लोग, BP का दवा लिख देगा लोग, शुगर BP कंट्रोल रहेगा ऑटोमेटिक जलन जाना ही नहीं, क्यों बात नहीं है। अगर आपको शुगर BP कुछ का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन B12, विटामिन B6 और फोलिक एसिड की कमी है। उसके लिए खूब बढ़िया आपको मेडिसिन बता दे रहे हैं जिसका नाम है न्यूरोकाइन प्लस, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रोज एक गोली रात के रात खाना है 3 माह तक। अगर खा ले रहे हैं आपको पैर हाथ का जितना जलन है, झंझनाहट भी है, बघा भी लगता है, ये सब बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।